प्रेशर था क्योंकि आप एक फिल्मी बैकग्राउंड से आते हो कि आपको एक्टर ही बनना है, क्योंकि अगर किसी का मामा गोविंदा होगा उसके दिमाग में एक बार तो जरूर आएगा मैं एक्टर बनूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि गोविंदा जी बहुत बड़े मेगा स्टार है हमारे कंट्री के, और उनकी जरूरत हमें थी और उन्होंने वो जरूरत पूरी की, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आप ये भी हो सकता है क्योंकि आपके वो मूवी में इसलिए उन्होंने ये जरूरत पूरी की, ये भी हो सकता ये है। सब यही सच है। रियली थैंक रवि किशन जी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट, खटाई लाल मिठाई लाल का था, टाइटल बराबर था, फिल्म में कॉमेडी थी, दोनों का बराबर का रोल था। कृष्णा फिर आपका आपका और कृष्णा अभिषेक का रिश्ता कैसा है? मेरा छोटा भाई है और बहुत प्यारा भाई है। इंटरव्यू शुरू करने के पहले मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां बोलूंगा सर, आपको ये याद होगा ये पंक्तियां किसने कहा था और कब कहा था। सो ये पंक्तियां कुछ इस तरह है, मेहनत हिम्मत और लगन माँ के आशीर्वाद से छू लेंगे गगन, आप सबका आशीर्वाद मेरा परिवार फिर पा गया, लीजिए आप सबके मनोरंजन के लिए मेरे परिवार से विनय आनंद भी आ गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विनय सर एंड इट्स प्लेजर टॉकिंग विथ यू। सो ये लाइन मेरा आपको याद है कब गोविंदा जी ने कहा था? आप सबका आशीर्वाद मेरा परिवार एक बार फिर पा गया, लीजिए आप सबके मनोरंजन के लिए मेरे परिवार से विनय आनंद भी आ गया। ये गोविंदा जी ने कहा था जब मेरी पहली फिल्म लो में आगे आ रही थी, उनका बहुत आभारी हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी प्यारी लाइन उस वक्त बनाई कि मैं विनय के लिए क्या कहूँ, और मैं उन्होंने सोचा और उन्होंने लाइन बना भी दी और इतनी अच्छी लाइन बोली है। थैंक यू, मैं गोविंदा जी माफी ने, मांगता हूँ, उसे यस धन्यवाद आप करता हूँ। राइट 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 आपको काफी उस वक्त प्रमोट किया था उन्होंने पहली फिल्म में एंड यस और आज आप भोजपुरी इंडस्ट्री के और आपने हिंदी फिल्म में भी मोर देन 60 फिल्म आपने कर चुके हो और भोजपुरी के आप सुपरस्टार हो, आप बहुत सारे लाइव परफॉर्मेंस भी करते हो। जी, यस सो अब विनय जी मैं आपसे स्टार्ट शुरू से शुरू करना चाहूंगा आपका जर्नी का। तो बेसिकली जरूर। आपने आप एक शानदार जबरदस्त एक्टर तो हो ही, क्योंकि आई रिमेम्बर सीइंग यू इन आमदनी अथन्नी खर्चा रुपया एंड दैट एक्टर दैट एक्टिंग आपने जो एक्ट किया था, जो कॉमेडी टाइमिंग था इन फ्रंट ऑफ गोविंदा जी एंड जॉनी लीवर, आपने जो कॉमेडी आपने जो मेंटेन करके आपने जो पूरी फिल्म को लेके गए थे वो मतलब तारीफ के काबिल हो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आप आपने शुरुआत कैसे किया था, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर था क्योंकि आप एक फिल्मी बैकग्राउंड से आते हो कि आपको एक्टर ही बनना है, क्योंकि अगर किसी का मामा गोविंदा होगा उसके दिमाग में एक बार तो जरूर आएगा मैं एक्टर बनूंगा। तो या बिल्कुल, आपने कैसे शुरुआत किया था? सी इट वाज लाइक दैट कि आई वाज वेरी यंग, मैं छोटा था और स्कूल जाता था, उस वक्त से मैं गोविंदा जी के साथ उनके घर में था। मेरी नानी आदरणीय निर्मला देवी जी, जो कि मशहूर ठुमरी गायिका रही, उनकी वजह से उन्होंने देखा कि मेरी जो माँ है उनकी बेटी पुष्पा आनंद जी, जो मेरी माँ थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो इस योग्य नहीं थी कि वो मुझे पाल पोस कर बड़ा कर सकें, और मेरा ध्यान जैसे एक माता पिता रखते हैं वैसा रख सकें। तो मेरी नानी जी ने ये कदम उठाया, उन्होंने बोला कि मैं विनय को पालूंगी और मैं बड़ा करूंगी। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है, मेरी नानी की वजह से मैं उनके घर में रहा, फिर वो गोविंदा जी हीरो बन गए, फिर हम लोग सब विरार से शिफ्ट होके मुंबई आ गए, और फिर मैं भी बड़ा होता गया। मेरे लिए बड़ा स्ट्रगल रहा है लाइफ में, जो मुझे माता पिता का जो सुख मिलना है वो कभी नहीं मिला। मेरे पिताजी मुझसे हमेशा दूर रहे, तो वो अपना अलग स्ट्रगल करते रह गए, मैं नानी के घर में रह गया। देन मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं था, बट देन आई गॉट, मेरी नानी की जो परवरिश और संस्कार है वो मुझे प्राप्त हुए, एंड देन मुझे वही सारी तालीम मिली जो, और संस्कार मिले जो गोविंदा जी को, बड़े मामा कीर्ति कुमार जी, या मेरी मासी कामनी खन्ना जी, या मेरी और भी मासियां,
और जो लोग कनेक्टेड थे सबको वही संस्कार मिले, तो वही मुझे भी मिला। और मेरी नानी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा लाइफ में सीखने मिला है। शी यूज टू से कि आदत बुरी सवार ले बस हो गया भजन। तो राइट उनकी जो ये जो उन्होंने गाना लिखा था, और मैं छोटा था और मेरी नानी का एक अलग कमरा था जहाँ सिर्फ भगवान की मूर्तियां, भगवान विराजमान है, तो वो बहुत सेवा करती थी। और उन्होंने मुझे भी सिखाया कि सवेरे जल्दी उठो, नहा धोकर पूजा करो, वो भगवान को साफ करो, उनको नहलाओ। फिर उनका एक अलग कपड़ा हुआ करता था, नहलाने का बर्तन अलग, वो पोछने का, राइट जो मेल गॉड्स है उनका कपड़ा अलग, फीमेल गॉड्स हैं तो उनका कपड़ा अलग। वो सारी सेवा करना उन्होंने मुझे सिखाया। फिर उनके मंदिर का मैं भी ध्यान रखने लगा जब उनकी तबीयत खराब हुई। तो आई वॉज इन टू लॉट ऑफ पूजा पाठ व्हेन आई वॉज वेरी यंग, एट द एज फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 19, 20 आई वॉज जस्ट डूइंग पूजा एंड गोइंग टू स्कूल, और यही सब चल रहा था। उसके बीच में मैं गोविंदा जी को दिखता था कि कैसे एक इंसान इतना मेहनत करके इतना नाम कमा राइट सकता है। तो आई गॉट इंस्पायर्ड बाय फिल्म इंडस्ट्री। मुझे ऐसा हुआ कि आई एम नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, और ऊपर से वो घर का माहौल बड़ा फिल्मी, गोविंदा जी एवरी टाइम इज डांसिंग, रिहर्सल कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था इस कार्य क्षेत्र से। तो मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं कि मैं कुछ और बिजनेस करूं। वो बचपन में ख्याली पुलाव बन रहा था दिमाग में, कि मैं पायलट बनूंगा, मैं ये बनूंगा। देन अल्टीमेटली एज आई वाज ग्रोइंग, व्हेन आई वाज 14 15, आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, और मैं तभी से लग गया एक्टिंग में। एक्टिंग रोशन तनेजा सर से सीखी, फिर वो यज्ञेश शेट्टी सर से एक्शन सीखा, फिर 4 4 घंटा एक्सरसाइज करना, मेहनत करना कि मुझे हीरो बनना है, हीरो बनना है। एंड एंड द डे समबडी सॉ मी, और मैंने नया फोटो सेशन कराया था। अंदली पठान जी अब नहीं रहे, एक फाइट मास्टर हुआ करते थे बहुत अच्छे, ही रिकमेंडेड मी टू महेश कोठारी जी। महेश कोठारी जी एक प्रख्यात, एक बहुत अच्छे निर्माता निर्देशक मराठी फिल्म इंडस्ट्री के। तो जी मैं उनका यहाँ से फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो सिनेमा बना रहे थे, लो मैं आ गया और मेरा उन्होंने ऑडिशन लिया एंड मुझे उसमें काम दे दिया। और मैं रातों रात एक ऐसा इंसान जिसके माता पिता का गाइडेंस या साथ होते हुए भी नहीं है, और मेरा पूरा पोर्टफोलियो उन्होंने प्रोफाइल पूरा चेंज कर दिया कि भाई विनय आनंद हीरो बन गया, उसको फिल्म मिल गई, लो मैं आ गया। तो अचानक से मैं एक स्ट्रगलर, और मुझे सिनेमा मिल गया और मेरी जर्नी बिगन शुरू हो गई। एंड इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर मी एट ऑल। मैं आपको बता दूं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। बहुत हालत खराब होती है, मैंने वो सारे प्रयास किए जो एक कलाकार को करने चाहिए। आई ट्राई टू बी बेस्ट इन द मूवी, लो मैं आ गया, बट देन थिंग्स वर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू माई जैसे मेरा चलना चाहिए। इट या वॉज था नॉट लाइक मैं आ गया ओवरनाइट, इतनी बड़ी हिट हो गई और मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया। इट गॉट रिलीज इन रमजान। जब वो रमजान का रील जब वो पहली फिल्म अनाउंस हुई कि रमजान में आ रही है, तो मैं उधर ही समझ गया था कि अब इसको, अब ये डिवाइड हो जाएगी पब्लिक। डिवाइड हो जाएगी। राइट देखिए, सिनेमा में चलना और फिल्में आना, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टाइम। कि ये नहीं आपका फिल्म बहुत अच्छा है। वो जमाने में इतना सोशल मीडिया नहीं था और बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि अल्टीमेटली सी मनी कैन नॉट बाय सक्सेस, एंड फॉर दैट यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। मैं लोगों को यही जो सुन रहे हैं, जो जो नया अपना जहान बनाना चाहते हैं, उनको यही कहूंगा कि सी एक हार्ड वर्क ही होता है और एक टैलेंट ही होता है जो आपको आगे लेकर जाएगा। एंड दैट ओनली हैपेंड विद मी। लो मैं आ गया के
के आने के बाद मुझे किसी के बिना रिकमेंडेशन के मैंने फिल्में साइन की और कई हिंदी फिल्में की। इट वाज लो मैं आ गया, देन सौतेला, राइट देन जहां जाइएगा हमें पाइएगा, दिल ने फिर याद किया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, देन देर वॉज मुलाकात, देन देर वॉज कूल नहीं होते हम। तो इसमें कई ऐसी फिल्में हैं जो पॉपुलर हो गई, सबसे ज्यादा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गई। नो डाउट उसमें मुझे गोविंदा जी का साथ मिला। दैट एट दैट टाइम ही वॉज वेरी बिजी स्टार, राइट अ स्टार हु डजंट हैव टाइम, अ स्टार हु कैन चूज हिज वर्क, क्या करना है क्या नहीं करना है। उस वक्त उन्होंने हमने उनको कहा कि आप ये गेस्ट अपीयरेंस स्पेशल अपीयरेंस करिए और वो मान गए। तो गोविंदा जी का उस वक्त सिनेमा को सपोर्ट करना और फिर पद्मालया जो कि बैनर इतना बड़ा है, आदरणीय शेषगिरी राव जी का मैं धन्यवाद करता हूँ हैदराबाद से, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पद्मालया में फिल्में बनाई। देन के राघविंदर राव जी डायरेक्टर जो है, इतने बड़े डायरेक्टर और फिर इतना बड़ा स्टार कास्ट, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इमेंस। और मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। मैं आप लोगों को बताऊं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ये पूरी प्लान आउट हुई थी और एक एक आर्टिस्ट को मैंने अप्रोच किया था, एक एक आर्टिस्ट से पर्सनली मैं मिला था कि मैं चाहता था कि वो लोग इस सिनेमा से जुड़े। तो जुड़े आदरणीय जॉनी लीवर जी के पास मैं गया, उस वक्त उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं हुआ मैं नहीं करता था था, और लोग 10 10 दिन पाने के लिए कि भाई जॉनी लीवर साहब जो है 5 दिन दे दें कोई फिल्म में, तो बहुत बड़ी बात थी। सो गोविंदा जी उस वक्त साइन हो चुके हुए थे फिल्म के लिए। गोविंदा जी ने सिनेमा देखा, अपना गेस्ट अपीयरेंस उन्होंने देखा, ये एक रीमेक फिल्म थी, एंड ही लव्ड द मूवी एंड ही एग्रीड। तो गोविंदा जी क्यों फिल्में थे? जस्ट बिकॉज मूवी को इन फ्यूचर बेचना ही हो जाएगा, इसीलिए गोविंदा जी को लिया गया कि इन जनरल गोविंदा जी का खुद मन था कि मुझे इस फिल्म करना ही वाली? नहीं देखिए, ऐसा नहीं होता है कि सिनेमा, देखिए 90s में या 2000 में सिनेमास तो लोग देखते ही थे, लेकिन आज अगर विनय आनंद इन्वॉल्व है तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस सिनेमा में और अच्छे कलाकार जोड़ूं। जैसे आप एक कंपनी ऑर्गेनाइज करते हैं या आप एक कंपनी के प्रोपराइटर हैं या डायरेक्टर हैं, यू विल ऑलवेज वांट दैट वो प्रोडक्ट जो है हम उसमें अच्छे स्टार्स को जोड़ें, अच्छे एक्टर को जोड़ें, तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। तो डेफिनेटली हम अगर बड़े स्टार्स को जोड़ेंगे, गुड फेसेस, और वो बड़े स्टार इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अच्छे एक्टर हैं, उनमें टैलेंट है, लोग पसंद करते हैं और वो लोगों के दिल से जुड़ जाते हैं। तो अच्छे एक्टरों को आप जब लाओगे तो कोई भी अच्छा एक्टर है वो हमेशा नोन होता है और उसकी मार्केट। तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि गोविंदा जी बहुत बड़े मेगा स्टार है हमारे कंट्री के, और उनकी जरूरत हमें थी और उन्होंने वो जरूरत पूरी की, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता क्योंकि आप, ये भी हो सकता है क्योंकि आप थे वो मूवी में इसलिए उन्होंने ये जरूरत पूरी की, ये भी हो सकता हूँ। है। यही सच है, क्योंकि देखिए उनको उनको जरूरत नहीं थी। वो व्यक्ति है जिन्होंने सुभाष घई जी, आदरणीय, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ सुभाष घई जी का, उनकी सारी फिल्में, और मेरा पूरा परिवार, यहाँ तक कि मेरी नानी निर्मला देवी जी उनकी बहुत बड़ी फैन थी सुभाष घई जी की। हम लोग के घर में सुभाष घई जी की फिल्में बहुत चलती थी और रेपिटेड हम देखते रहते थे बार बार रिपीट कर करके। तो लेकिन जब गोविंदा जी को सुभाष जी का ये फिल्म ऑफर हुई थी तो उसमें डेट्स की भी दिक्कतें थी गोविंदा जी की, और गोविंदा जी शायद अपने रोल से उतने खुश नहीं थे, उन्होंने पैसा नहीं देखा और उन्होंने कुछ नहीं देखा, ही रिजेक्टेड। तो गोविंदा जी जैसा स्टार जो कि बहुत बड़ी 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 फिल्में, बहुत बड़े बड़े निर्माता निर्देशक को मना करते हैं बहुत प्यार से मोहब्बत से कि मैं अपने रोल से संतुष्ट नहीं हूं, उन्होंने उस वक्त एक ऐसे रोल का चयन किया, एक ऐसा रोल एक्सेप्ट किया। तो जो सत्य है वो सत्य है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वो उस दौर में, जिस दौर में वो इतने व्यस्त थे, और कई बार ऐसे ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को ऐसा रोल चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट आउट आउट ऑफ द वे ही वेंट एंड ही हैज डन दैट मूवी, एंड आई रियली आई थैंक हिम।
राइट क्योंकि राइट इतने बड़े स्टार के होने की वजह से, और भी उसमें सुपरस्टार्स बहुत सारे, मेरे चंद्रचूड़ सिंह भाई जो कि काफी हिट्स दे चुके थे दे उन्होंने, चुके। लगता है चंद्रचूड़ साहब की अगर अगर उन्होंने 10 फिल्में की है तो उनकी 7-8 फिल्में हिट है, सुपर हिट है। राइट 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 तबू जी जो है शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, उनकी कई फिल्में, जो वो फिल्में करती हैं उसे नेशनल अवार्ड मिल जाता है, अवार्ड मिल जाता है। शी वॉज देयर, जूही चावला जी थी फिल्म में, तो इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स, और उसमें मैं था एक, 4-5 फिल्में 7-8 फिल्में किया हुआ एक्टर जो अपना पहचान बनाना चाहता है। लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा था वो फिल्म में कि आपने सिर्फ 4-5 फिल्में की, आपका एक्टिंग को आई थिंक सबको आपने ओवरशैडो कर दिया था फिल्म में, ये मेरे मेरे हिसाब से मुझे लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक कोई भी एक नया एक्टर होता है उसको हमेशा ये जिम्मेदारी लगती है दैट व्हेन द रोल इज गुड ही शुड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज कैरेक्टर, कि मेरा यार ये कैरेक्टर है और मुझे ये मौका मिला है, और इतना अच्छा मौका मिला है कि सारे दिग्गज लोग एक साथ एक स्क्रीन पे खड़े हुए हैं, और ईशा कोप्पिकर वेरी सच अ गुड आर्टिस्ट, तो उस वक्त ईशा कोप्पिकर भी एकदम नई नई थी और शी हैज ऑल्सो डन हर रोल सो नाइसली। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट एट दैट सिचुएशन एट दैट टाइम आई गॉट द बेस्ट प्रोड्यूसर, आई गॉट द बेस्ट डायरेक्टर, जिनकी 100वीं फिल्म थी आमदनी अठन्नी का चरपे, तो राघवेंद्र राव गारू जिन्होंने जीतू जी के साथ, जीतेंद्र जी के साथ इतनी बड़ी बड़ी हिट्स थी, जी तो पूरा जो कैंप, जो पूरा जो टीम था, वो सभी लोग बहुत डेडिकेटेड थे और सभी लोगों को अच्छी फिल्म बनानी थी। राइट तो वॉट एवर यू गिव टू द एनवायरमेंट गिव्स यू बैक, और वही हुआ। लोगों को हमने अच्छा पिक्चर दिया, परफॉर्म अच्छा किया, ईमानदारी से लोगों ने उतना ज्यादा प्यार दिया उस फिल्म को। तो देखिए, चाहे उसमें आपकी ग्रीड हो, लालच हो, या आपकी जरूरत हो, राइट मेन मुद्दा ये है कि आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। ये है। क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया को सैटेलाइट में बहुत देखा जाता है, जब भी टीवी में बिल्कुल आती है वो लोग मिस नहीं करते हैं। वो कॉमेडी टाइमिंग जो था, तो वो कॉमेडी टाइमिंग से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वर्किंग विद गोविंदा एंड वर्किंग विद जॉनी लीवर, दोनों के जो कॉमेडी टाइमिंग है सुपर है, अलग लेवल के है। गोविंदा के साथ तो चलो गोविंदा गेस्ट अपीयरेंस है मूवी में, बट जॉनी लीवर के साथ आप दिख रहे थे मूवी में, तो उनके साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन्होंने, जॉनी भाई ने बहुत मेरे को प्यार दिया, और बहुत कहीं कहीं एक आध दो शॉट में वो मुझे बता देते थे कि तू ऐसा कर ले, तू बिंदास कर, तू सोच मत, तू ये मत सोच के तू कैसा करेगा, तू कर ले, खुल के एक्टिंग कर। एंड ही वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी मैं क्या बोलूं, मतलब इतना अच्छा आपको कंपनी मिलता है ना, एंड यू आर एवरी टाइम यू आर लाफिंग ऑन द सेट एंड यू आर सो हैप्पी, यू आर गेटिंग गुड सीन्स, यू आर गेटिंग वेरी गुड डायलॉग्स आर रिटन बाय अनवर खान जी, जो नहीं रहे अभी बेचारे, लेकिन अनवर खान एज अ राइटर, ही वाज एज अ डायलॉग राइटर, इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में और इतनी कमाल के जोक्स, और व्हेन द स्क्रिप्ट इज फैंटास्टिकली रिटन, द डायलॉग्स आर गुड, द सीन इज गुड, देन एवरीथिंग लुक्स गुड। सो एक आर्टिस्ट बनने के लिए एक हीरो परफॉर्म करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, एक अच्छा राइटर, एक अच्छा डायलॉग राइटर, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा कॉस्ट्यूम डिजाइनर, तो ये सारी लोगों की टीम लगती है और मेहनत होती है, तब जाके एक सिनेमा अच्छा बनता यस सो विनय, आपने आपका सबसे पहले आप ये इसका जवाब दो कि आपने भोजपुरी फिल्म में ट्रांजिशन आपका कैसे हुआ है हिंदी से भोजपुरी में, और आपको कितना लगता है कि भोजपुरी फिल्म ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है? है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं जब फिल्में कर रहा था और मुझे हमेशा ये था कि मैं, मेरा अपना एक चॉइस है सिनेमा करने का, तो व्हेन आई वाज नॉट गेटिंग अ वेरी गुड स्क्रिप्ट आई वांटेड या वैसा रोल, एंड आई नेवर वांटेड टू बी, मेरे को उस वक्त ऐसा मन नहीं था कि मैं कोई कुछ भी रोल एक्सेप्ट कर लूँ, आई जस्ट वांटेड टू बी अ हीरो और दैट वाज ओनली माय ड्रीम। सो इन बिटवीन मेरा दौर थोड़ा सा, देखिए सिनेमा में मैं आपको एक बात बता दूं, काम बहुत है, बहुत काम मिलता है हमें, लेकिन
सर्टन टाइम यू फील के नहीं यार मैं ये नहीं रोल नहीं करना चाहता, या मजा नहीं आ रहा है, या इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड नाइसली, और समटाइम्स यू वॉन्ट टू डू द फिल्म लेकिन आपकी डेट्स नहीं है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स तो जिसकी वजह से आप फिल्म करते हो या छोड़ते हो। राइट तो करते 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 वो ऐसा जोन था जहां मुझे भोजपुरी पिक्चर ऑफर हो गई, एंड मैं जस्ट मेरी शादी हुई थी और आई वॉज इन डीपली लव विथ माई वाइफ जो कि है अभी ज्योति आनंद जी, तो जी मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगा एज अ वाइफ उनका मेरे जीवन में, और एज अ गर्लफ्रेंड मेरे जीवन में बहुत साथ रहा है। एक ऐसा टाइम भी आ गया था मेरे पास व्हेन आई वाज ब्रोक, टोटली ब्रोक विथ नो मनी एंड लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि काम मैं ले नहीं रहा था, पैसे की आवश्यकता भी थी, बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि जब आप यंग होते हो आपको अपना घर बनाना है। मेरा मेरा मेरे तो फादर का खुद का घर भी नहीं था, एक ही वाज स्टेइंग इन अ उनका सब बिजनेस में सब गड़बड़ हो गया था एंड बहुत सारी तकलीफें थी, तो मुझे अपना घर बनाना था। मैंने अपने फादर को घर भी लेके दिया जो मैंने पहले फिल्में की थी हिंदी की, आई टुक फ्लैट्स फॉर हिम, 1 or 2 फ्लैट्स, तो मैंने उनको पहले सेटल किया अपने पिताजी को, एंड देन आई वॉन्टेड टू सेटल माई सेल्फ, अपने पिताजी को कर दिया, देन ज्योति जी लाइफ में आई, फिर मुझे फिर से अपने आप को सेटल करना था। तो बहुत साथ रहा मेरी वाइफ का और मेरे जो पेरेंट्स हैं ज्योति जी के पेरेंट्स, एंड देन आई बॉट माय हाउस, एंड देन बहुत सारी चीजें, हमने शादी की। ज्योति जी जैसे मेरी जिंदगी में आई उसके दूसरे दिन ही मुझे भोजपुरी पिक्चर ऑफर हुई, एंड मेरा और ज्योति जी का सोच यही था कि हमें काम करना है, हमें काम करना चाहिए एंड वी शुड मूव, क्योंकि सिनेमा सिनेमा होता है और मुझे अच्छा रोल मिल रहा था, मैं मेन हीरो था। तो मैंने पहली भोजपुरी फिल्म साइन की और जिसका नाम तौसे प्यार बा, या हाँ जिसमें रश्मि देसाई हीरोइन, जो पहले जी दिव्या देसाई उन्होंने नाम रखा था फिर रश्मि कर लिया, तो शी वॉज माई को स्टार इन माई फर्स्ट फिल्म इन भोजपुरी, एंड देन देर वॉज नो लुकिंग बैक। भोजपुरी इंडस्ट्री को एक ऐसा हीरो मिला था जो बहुत ज्यादा पैसे नहीं मांग रहा था, जो बहुत ज्यादा ईमानदार है, जो समय पे आता है, जो दारू नहीं पीता है, जो तंग नहीं करता है, जो एटीट्यूड नहीं दिखाता है, जो कॉल रिसीव करता है, मतलब साइन करने के बाद फिल्में नहीं अटकाता, डेट देने में नाटक नहीं करता, तो इतना डिसिप्लिन्ड एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में आया जो कि डांस अच्छा करता है, एक्शन करता है, यंग है, रोमांटिक सब लुक है। तो आई गॉट लॉट ऑफ वर्क एंड आई एक्सेप्टेड, और उसमें भी मेरी यही थी कि मैं अश्लील फिल्में नहीं करूंगा, मैं डबल मीनिंग्स फिल्में नहीं करूंगा, मैं लिप टू लिप किस नहीं करूंगा, मैं बैड शॉट्स नहीं दूंगा। तो मेरे ये सब प्रॉब्लम रहे हैं कि मैं वल्गैरिटी नहीं करता, मैं थोड़ा सा फैमिली मैन हूँ, राइट मुझे ये होता है कि मैं खुद फैमिली मैन हूँ तो फैमिली दर्शक देखें तो अच्छा देखें, आप मेरी कोई फिल्म में नहीं देखोगे कि मैंने स्मूच किया है किसी हीरोइन को। और यही था कि मैं ऐसी फिल्में इसलिए नहीं करना चाहता था कि मुझे बड़ा अजीब लगता है वो, मैं खुद अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ इफ आई एम विथ माई डॉटर, मेरे डॉटर्स हैं अभी, मेरा बेटा है, अगर वो बच्चे हैं और कोई ऐसा किसिंग सीन आ जाए तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है हमारे लिए, या कोई अजीब, तो मुझे वो हमेशा से रहा है कि एज अ फैमिली मैन के ऐसा कुछ काम करोगे तो अजीब होगा और मैं वैसा हीरो नहीं बनना चाहता। तो मैंने बहुत फिल्में छोड़ी है, हर महीने में 4 5 फिल्में तो मेरी इसलिए छूट जाती थी कि यार ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कर सकता, और मेरा ये भी था नहीं मैं फिल्म में मरूंगा नहीं, मैं यार ये नहीं करूंगा वो नहीं, एक आध दो फिल्मों में मैं मरा तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा था इट वॉज अ गुड, अच्छा सब्जेक्ट है, फैमिली सब्जेक्ट है, कॉमेडी सब्जेक्ट है, एक्शन है, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ रजनीकांत जी, चिरंजीवी जी, साउथ इंडियन फिल्म से मैं हमेशा ज्यादा प्रभावित रहा हूँ, यहाँ पे दिलीप कुमार साहब से, राजेश खन्ना जी से, बच्चन साहब से, ये सब कलाकारों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूँ। फिर और उसमें आइए तो आमिर खान जी वॉज माई फेवरेट एक्टर, और आगे जाके फिर सलमान खान साहब की वांटेड से उनका भी मैं थोड़ा फैन हो गया कि मेरे को लगा कि नहीं यार क्या एक्शन है, क्या पर्सनालिटी है, क्या चीजें हैं। तो
तो हर एक्टर यहाँ पे कोई ना कोई चीजों में बहुत अच्छा है। जैसे सलमान खान साहब की पर्सनालिटी और उनका जो प्रेजेंस और उनका जो स्टाइल और उनकी कमिटमेंट, जो वो डायलॉग कहते, तो ही इज वेरी गुड इन दैट। आमिर खान साहब की कॉमेडी और उनके जो फिल्म चूज करने का जो स्टाइल है, यू विल नेवर सी के यार मैं रोमांटिक फिल्म ही करूँ। यू नो रोमांस भी है कोई फिल्म में, वो एक बेटी का फादर भी बने हुए हैं, फिर अभी जाके वो दंगल में दो बड़ी बेटियों के भी फादर बन गए। तो वो उनका सब्जेक्ट का सिलेक्शन ज्यादा है। और गोविंदा जी जैसे जो सुपरस्टार्स हैं, वो उनका एक अलग ही स्टाइल है। उनको आप बोलोगे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फिल्म कर लो, किसी पॉलिटिक्स वाले को गालियां दे दो, या आप थोड़ी नेगेटिव फिल्में कर लो, तो आप उनको करोड़ों रुपया भी ऑफर करोगे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर सच फिल्म्स। तो सबने अपना अपना एक स्टाइल बनाया हुआ है। वैसे वैसे आर्टिस्ट उपलब्ध है इंडस्ट्री में। तो ऐसे मेरे साथ हुआ था। तो एक एक भोजपुरी की एक बहुत बड़ी स्टार है, मेरी मित्र भी है, उनकी मम्मी ने मुझे बोला, अरे विनय तुम क्या इतनी फिल्में छोड़ते रहते हो, बेटा इधर पैसा अंदर करो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना काम छोड़ते हो। मैं बोला आंटी मुझसे नहीं होता है सब वल्गर चीजें हैं और इस तरह से हरकतें करना और किसेस करना और अजीब अजीब रोल करना सिर्फ पैसों के लिए, आई एम नॉट लाइक दैट। मेरा पहले से ही मेरा स्कूल जो है वो स्टार्डम और अच्छी फिल्में और अच्छे रोल्स करने का इच्छा रहा है। सी आई डिड सो मेनी फिल्म्स, देन आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम भोजपुरी इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 3 to 4 ईयर्स। कोविड आया उसके बाद से मैंने कोई भोजपुरी फिल्म साइन नहीं की, क्योंकि मेरी हिंदी फिल्म अभी फ्लोर पे है जिसका नाम है मकान, जो मेरी वाइफ ने प्रोड्यूस की है, मेरा प्रेजेंस है एंड आई एम अ स्टार इन दैट, जो कि हॉरर फ्लिक है और अभी वो इस साल में ये रिलीज आपके होगी। प्रोडक्शन हाउस से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी प्रोडक्शन हाँ? से है, हमारे प्रोडक्शन से है, और हमें ये था कि हम अच्छी फिल्म बनाएं और जैसा मैं अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता हूँ या मैं जैसी फिल्में करना चाहता हूँ, एंटरटेनिंग है या हॉरर है या जो भी है, इट शुड बी अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और मैं एक अच्छे प्रोडक्ट में नजर आऊं, क्योंकि आमदनी अठन्नी को बहुत साल हो गए थे। देखियो मेरे मेरे जिंदगी में हम किसी को हमेशा हम सबके लिए काम करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब हमें लगता नहीं मुझे भी फिल्म करना है, मेरा भी प्रोडक्शन होना चाहिए, मेरी भी फिल्में होनी चाहिए, या मैं अपने आप को ऐसा देखना चाहता तो हूँ। हम कई साल वेट करते रहते हैं कि नहीं यार बॉलीवुड से कोई आएगा हमें लेके बनाएगा वापस, वो शायद हमें वैसा ना देख रहा हो, क्योंकि दैट इज जस्ट उनका एक चीजें हैं। और कई सालों से जब मैं बॉलीवुड से दूर था तो शायद मैं विनय आनंद उनके जहन में भी नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा एक ही मैसेज जाता है कि विनय आनंद इज अ सुपरस्टार, जो कि 60-70 फिल्में कर लिए तो सुपरस्टार तो लग ही जाएगा, बहुत जाएगा सक्सेसफुल रहा हूँ, और फिर ये होता है ही माइट बी वेरी बिजी इन हिज फील्ड, ये हो जाता। लेकिन अभी सत्य ये है कि मेरे पास बहुत वक्त होता है, क्योंकि मैं एक ही फिल्म कर रहा हूँ मकान, और मैं चाहता हूँ वो आए एंड देन आई विल, एक नया विनय आनंद लोगों को एक नए स्टाइल में नजर आएगा, फिर एक मेरी एक न्यू जर्नी बिगेन हो रही है, और जो कि मेरे साथ इतना प्यार मुझे मेरी भोजपुरिया जनता का है और वो मेरे साथ है, एंड दे ऑल आर वेटिंग फॉर मकान। मुझे राइट इतने मैसेज आते हैं, वो बोलते हैं आप मकान कब रिलीज कर रहे हो, वी आर एक्साइटेड, हम वी मिस यू, आप जल्दी फिल्म लेकर आओ। तो अभी ये सारी चीजें हैं जो कि मैं भी चाहता हूं कि जल्दी आ जाए। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके सबसे अच्छे मित्र कौन है? देखिए एवरीबॉडी इज अ गुड मित्र, लेकिन क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ज्यादा मुझे पता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो आप अगर जीवन में ये सोचोगे ना कि ये स्टार मेरे से आगे क्यों जा रहा है, या ये क्यों है, इसका गाना क्यों चल गया, इसकी फिल्म, तो दैट इज अ वेरी नेगेटिव थिंकिंग। मैं बोलूंगा जितने सुपरस्टार्स हैं जो एक दूसरे के लिए बकवास करते हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं दुखी होके या कोई नेगेटिविटी अंदर आ गई है, ना हमारा मतलब ही नहीं है, मेरा क्या लेना देना पवन सिंह से। पवन सिंह मेरे को मिलते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, हम लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, गले लगते हैं, प्यार देते हैं, और कैसे हो भाई, भी ठीक है ऐसे। अब मैं सोचूं पवन सिंह की फिल्में क्यों चल रही है, वो सोचे विनय आनंद क्यों चल जाए, तो ये सब नेगेटिव और सोची छोटी सोच हो गई। मेरा ये सोचना है कि मैं अगर जीवन में कुछ फिल्में करूं, अगर मुझे इन लोगों के साथ काम करना है और मैं कहूं तो ये लोग मेरे साथ करें और मैं इनके साथ करूं, और ऐसी चीजें हो
यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन नाउ डेज, यू नो, आप आज के जमाने में आप ये नेगेटिव थिंकिंग करके आप आगे बढ़ भी नहीं सकते, और उससे होगा क्या? थिंकिंग राइट अबाउट, बिचिंग अबाउट खेसारी लाल यादव और बिचिंग अबाउट एनी अदर एक्टर। रवि किशन जी के साथ मेरा बड़ा अच्छा रहा, एक फिल्म हमने की थी खटाई लाल मिठाई लाल, राइट एंड आई राइट हैड फन वर्किंग विद हिम। सो दैट मूवी वॉज गिवन टू मी बाय रवि किशन जी ओनली। उन्होंने मुझे कॉल किया और बात हुई, बोले विनय एक कॉमेडी फिल्म है, आप करोगे? क्योंकि आप करते नहीं हो फिल्में, आप सारी फिल्में सोलो करते हो, आप कोई फिल्में मैंने देखी नहीं दूसरे स्टार्स के साथ, तो वुड यू लाइक टू डू खटाई लाल मिठाई लाल? मैं तुम्हें फिल्म भेजता हूँ, अगर तुम देख लो अपना सब्जेक्ट अपना रोल। एंड आई रियली थैंक रवि किशन जी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट खटाई लाल मिठाई लाल का था, टाइटल बराबर था, फिल्म में कॉमेडी थी, दोनों का बराबर का रोल था, तो आई एक्सेप्टेड दैट फिल्म एंड इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद रवि किशन जी। राइट राइट सो फनी ऑन द सेट्स, उनके जोक्स और उनकी चीजें और एक माहौल, एक सेट का माहौल इतना अच्छा होता है कि मैं क्या बताऊं, एंड आई एंजॉय इट। और एक उन्हीं के साथ मैंने फिल्में की, और एक भोजपुरी में एक विराज भट्ट हैं जो कि नेपाल के स्टार हैं, राइट उन्होंने एक में हमने की, बाकी मैंने किसी स्टार के साथ, मुझे ना पिक्चर ऑफर हुई और लोगों को मालूम था कि यार सेकंड ग्रेड रोल विनय आनंद करेगा नहीं, करेंगे या तो वो बराबर का लाए, वैसा हुआ नहीं। देखो पॉलिटिक्स दबाना, सब जगह जात हर पात, ये हर जगह, जगह ट्रू अब मेरे को ये सब में पढ़ना ही नहीं है, मैं आया हूं अपनी जर्नी में, मुझे भगवान ने दुनिया देखने का मौका दिया है, काम करने का मौका दिया है, मैं नेगेटिव चीज देखता ही नहीं हूँ, मैं ना किसी के लिए गलत तो सोचने, मेरे पास अच्छा सोच लूँ सोचने का टाइम नहीं है, ना गलत सोचने का टाइम है, मैं ट्रू किसी के बारे में क्यों गलत सोचूं? आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, आई एम वर्किंग फॉर माई फैमिली। आज मेरे को 11 साल बाद मेरे ट्रिपलेट्स हुए, उनको संभालते संभालते मेरी हालत खराब हो गई। अब वो बड़े हो गए, दे हैव बिकम 7 ईयर ओल्ड, दे आर, मेरी 2 बेटी हैं, विराजनी है, प्रीति है, और विवान बेटा है, तो आई हैव माई फैमिली, आई हैव माई वाइफ, शी सपोर्ट्स मी। लालची वो है नहीं कि उन्हें ट्रू बहुत ज्यादा पैसे चाहिए या वो पागल हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर हैविंग अ गुड लाइफ, वी आर वर्किंग, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेकिंग दिस मूवी मकान, और इसके बाद हम और कई फिल्में करेंगे, और मैं लोगों के साथ भी काम करना चाहता हूँ, वेब सीरीज भी करना चाहूंगा, बट रोल अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली मकान में हम लोग आपको देखेंगे। यस यस, इट्स अ लवली मूवी, और बहुत मेहनत की है, मेरे डायरेक्टर सुमित नवल हैं जो राम गोपाल वर्मा के असिस्टेंट रहे हैं, उन्होंने अपना कार्य अच्छा किया है, हमने, हमारा प्रोडक्शन है तो हमने सबने मिलके पूरी कोशिश की है, और ये कुछ मल्टी लैंग्वेजेस में रिलीज होगी और लोगों को मजा आएगा देखने में। पोस्ट प्रोडक्शन हो गया मकान का या पोस्ट प्रोडक्शन ऑन है, मतलब ऑन हमने इसको प्यार मोहब्बत से बनाया है, हमने 2 साल लिया है इसकी मेकिंग में, 2 से 2.5 साल, हमें ये नहीं है कि हम अगले महीने रिलीज कर दें, हमें ये जिम्मेदारी है कि हमें एक अच्छी फिल्म बनानी है और हमें नाम बटोरना है, लोग हमारी तारीफ करें कि यस दे हैव डन अ गुड जॉब, क्योंकि सी व्हाट हैपेंस, जब आप एक्टर होते हो तो आप अपने बारे में सोचते हो, राइट एंड व्हेन यू हैव अ प्रोडक्शन एंड व्हेन इट इज योर ओन प्रोडक्शन, तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, आपको ये होता है मेरी फिल्म का कलर अच्छा दिखे, मेरी फिल्म का बैकग्राउंड अच्छा हो, ये मेरे प्रोडक्शन की फिल्म है, दिस इज माय बेबी, टोटली माय बेबी, जहां मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप जब दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम करते हो वहां एक एक जॉब कर रहे होते हो, राइट यू आर अ स्टार, वो हमारी सुनते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने जितने प्रोड्यूसरों को जो कहा, डायरेक्टर को जो कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं या करिए, उन्होंने हमेशा उसको माना, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन सच्चाई यही होती है कि हमें एज एन एक्टर वी हैव नो राइट टू गो एंड टेल देम कि आप ये कर लो, उसका भी एक तरीका होता है, आप शूटिंग से पहले डिस्कस कर लो अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है, और मैंने इन सबके साथ काम किया, आई जस्ट यूज टू गो टू द सेट, और मैं एज एन एक्टर अपना काम करता हूँ, डायरेक्टर बोलता है यहाँ खड़े हो जाओ, ये बोल दो, वो बोल देता हूँ, वो बोलते हैं वहां से दौड़ के आओ ये कर लो, सो यू नो मैं सिर्फ एक रॉबर्ट की तरह होता हूँ, और जो मेरा डायरेक्टर जैसे मुझे बोलता है ये आपका करेक्टर है ये कर लो इतना कर, मैं बहुत ज्यादा बहस नहीं करता, ऐसा क्यों, ये क्यों, तंग कर दिया ये,
आई डोंट वॉन्ट टू गिव स्ट्रेस टू माई डायरेक्टर और माई प्रोड्यूसर. ये होता है कि आप जाओ खुशी खुशी काम करो और घर पे आ जाओ. राइट और राइट यहाँ ये था कि ये मेरी फिल्म थी तो मैं जो बेस्ट कर सकता था अपने हिसाब से, तो कन्विक्शन मुझे लगता है जो चीजें हैं वो मैंने सब करके किया. तो मेरे प्रोडक्शन में मुझे ये राइट होता है कि वो मेरे हिसाब से आए. दूसरे के प्रोडक्शन में मैं काम करूंगा तो मैं एक एक लेबर हूँ, एक स्टार हूँ लेकिन एक लेबर हूँ. आई हैव टू गो, आई हैव टू अंडरस्टैंड. अगर मुझे कुछ डिस्कस करना है मेरे डायरेक्टर से मैं पहले कर लूंगा, नॉट ऑन द सेट. दो सवाल लास्ट है आपके लिए। सो सबसे पहले जिन लोगों को एक्टर बनना है, इंडस्ट्री में आना है, वेदर इट्स भोजपुरी इंडस्ट्री और हिंदी इंडस्ट्री, डजेंट मैटर, कहीं पे भी आना है, लेकिन आपको काफी लोगों का बात सुनना पड़ जाता है इंडस्ट्री में घुसने के टाइम में, जस्ट बिकॉज पीपल डोंट सपोर्ट यू, इफ यू डोंट हैव समवन रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री, लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, तो आप क्या बोलोगे इसमें कि ऐसा क्यों होता है इंडस्ट्री में, इतना बायस्ड क्यों है इंडस्ट्री? नोबडी इज बायस्ड. सब अपने बारे में सोच रहे होते हैं. और आई कैन जस्ट टेल देम कि ये सब मत सोचो, इट्स ऑल भाग्य एंड नसीब. जस्ट डू योर जॉब प्रॉपरली, जस्ट बी टैलेंटेड. अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को सुधारो और कोशिश करो. देखो हम ऐसे क्यों सोचे कि वो बायस्ड हैं. उनका पैसा है, उनको जिनके साथ बनाना है वो सिनेमा बनाएंगे. उनके जो आर्टिस्ट हैं, जो उनको लगता है कि ये बेस्ट आर्टिस्ट हैं, वो उनका चुनाव करेंगे, उन्हें चुनेंगे. वो आपको और हमको क्यों चुनेंगे? हमारे अंदर ऐसी स्पेशल बात क्या है? हमारे अंदर ऐसा क्या हम क्रेज बढ़ाने की कोशिश करें कि वो खुद मजबूर हो जाए, बोले इसको ही लो यार, ही इज वेरी टैलेंटेड, ही लुक्स हैंडसम, ही इज गुड, तमीजदार है, कमिटेड है, यार इस पे 10 करोड़ की फिल्म मैं बनाऊंगा तो ये मेरे को नहीं अटकाना है. सी क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफस्टाइल बहुत काउंट करती है. इफ यू आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ अदर्स, इफ यू आर जस्ट कमिंग लेट, इफ यू आर अनडिसिप्लिन्ड, इफ यू डोंट हैव अ वर्किंग स्टाइल, इफ यू आर नॉट गुड ह्यूमन, ये सारी चीजें बहुत काउंट करेंगी आपको आगे लेके जाने में. तो जस्ट डोंट बी टैलेंटेड, बी अ गुड ह्यूमन, बी डिसिप्लिन, डोंट हैव रॉन्ग एटीट्यूड्स. कोई आपसे मिलने आ रहा है यार, उसको अच्छे से बात कर लो, उसको अच्छे से रिप्लाई करो, है ना. अपने आप को क्यों तुर्रम खान समझ रहे हो? राइट आप राइट 4 5 6 फ्लैट बना के भी आप क्या भगवान बन जाओगे? आज यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, आप जब अपनी खिड़की से बाहर देखोगे तो आपको बहुत सारी बिल्डिंग नजर आएगी. और अगर आप फ्लाइट से फ्लाई करोगे तो आपको इतनी सारी बिल्डिंग नजर आएगी, ट्रू इतने कार नजर आएंगे. तो हम लोग क्या है समाज में, ट्रू क्या औकात है हमारी? तो हम एक प्यार और एक एक एंटरटेनमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके लिए लोग हमें प्यार करते हैं. तो पागल होने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपके पास 20 25 फ्लैट है, 10 फ्लैट है, 4 फ्लैट है, इट्स फॉर यू, वॉट यू आर गिविंग टू द पब्लिक, यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग. आप अपना फ्लैट थोड़ी जाके किसी को दे रहे हो. ट्रू बात यह है कि आप अपना प्यार बटोरना सीखो और लोगों को प्यार देना सीखो. यस दिस इज लाइफ. राइट और अपने आप को भगवान समझने वाले लोग, या मैं ये कंट्रोल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, यू गाइज आर नथिंग. मैं उनको यही बोलना चाहूंगा जो कंट्रोल करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाओगे. वो ईश्वर है. किसी दिन हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टरों के पास भागते फिरोगे. किडनी की प्रॉब्लम हो गई, किडनी ठीक करने में लग जाओगे, सारे पैसे चले जाएंगे, सारी चीजें हो जाएगी. जस्ट मैं यही बोलना चाहूंगा जो गलत सोच रखते हैं, जस्ट बी गुड टू पीपल. कुछ कर सकते हो यार किसी के लिए तो कर दो. आपके साथ की वजह से अगर किसी का दिया जल जाता है, किसी की लाइफ स्टाइल ठीक हो जाती है, परिवार के घर में पैसे आने लगते हैं. अच्छा लगता है। हाँ, डोंट बी नेगेटिव. मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसने ऐसा किया था. क्या है हम, क्या कितने साल की हमारी जर्नी है मुझे बताओ. आज कितने स्टार्स हैं जो तो हमारे बिहार के, तो इतने बड़े स्टार थे वो बेचारे नहीं रहे. धोनी पिक्चर के स्टार, हाँ फिर आपके बिग बॉस में जो आए वो जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, सिद्धार्थ भाई नहीं रहे. व्हाट वाज हिज एज? इनफैक्ट मैंने कल सुना था, कल एक न्यूज आया था, एक दंगल में जो बच्ची का रोल किया था, शी वाज नो उन्नीस मोर, साल की उन्नीस पिक्चर थी साल वो, की। नहीं रही.
क्या है लाइफ लाइफ में इतना, ना, लाइफ बहुत अनसर्टेन हो गई है। यहाँ पे हमारे यूथ की प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई ऐसी बात करे तो इनको लगता है यार इनका काम हो गया, इनकी उम्र हो गई होगी, इनका हो गया. सी इट्स नॉट लाइक दैट. यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड के व्हाई यू आर ऑन दिस अर्थ, और क्या आप ये सारी चीजें लेके जाने वाले हो? क्या आपकी चार चार गाड़ियां हैं? क्या वो आपके साथ जाने वाली हैं? नो, योर प्रॉपर्टी, योर एवरीथिंग विल बी हियर, एंड वॉट एवर यू गाइज आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली. इफ यू गाइज कैन सपोर्ट एनी बडी जिससे उनकी जिंदगी अच्छी हो सकती है, वो कर दो. इतना ही कर सकते हो आप, और आप भगवान नहीं. विनय जी, हम लोग एंड में आते हैं। एंड करने के पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं असम गवर्नमेंट से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और प्रमोट भी करता हूँ, इसलिए मैं असम गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है, जैसे मैंने मधु चोपड़ा जी का इंटरव्यू लिया था, क्योंकि उनकी बेटी वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर थी। तो मैं जो भी गेस्ट से इंटरव्यू करता हूँ, एक्टर से करता हूँ, आप जैसे कलाकारों से करता हूँ, तो उनसे मैं असम के बारे में जरूर पूछता हूँ। आपके लिए नॉर्थ ईस्ट असम क्या है, क्या मेरे लिए विजन आता है आपके लिए? बहुत सुंदर जगह है. आप कभी गए हो? मैं गया हूँ, एक आध बार गया हूँ. मुझे बहुत सुंदर लगता है. मेरे को लगता है कि देखिए वही वाली बात होती है कि आज मैं चाहूँ मैं उधर रहूँ भी तो क्या मैं रह पाऊंगा, मेरा काम इधर है अगर. लेकिन बात यह है कि वहां की सुंदरता, वहां का क्लाइमेट, वहां के लोग, इतने सब प्यारे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं. सब अपना अपना खुश रहते हैं, अपना अपना पैसा कमाते हैं, अपना अपना फैमिली को देख रहे हैं. हर तरह के लोग हैं. बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है, चाय का ये कह लो, सारी चीजें कह लो, लोग वहां पे भी लगे पड़े हुए हैं इतने सालों से. हमें ये देखना है कि हमें अपनी लाइफ जीनी है, तो आसाम के लोग अपनी लाइफ जीते हैं, किसी के लफड़े में नहीं है, किसी से जेलेसी नहीं है. दे आर वेरी हैप्पी विद देमसेल्फ, अपना फैमिली देख रहे हैं, अपनी चीजें कर रहे हैं, और क्या चाहिए. तो ईस्ट और वेस्ट, आसाम इज द बेस्ट. थैंक यू सो मच। एंड करने के पहले ये बताइए कि सबसे पहले आपका आपका और कृष्णा अभिषेक का रिश्ता कैसा है? कृष्णा मेरा छोटा भाई है और बहुत प्यारा भाई है, और ही इज वेरी टैलेंटेड, इज डूइंग वेरी गुड फॉर हिमसेल्फ. अपने परिवार को पाल रहा है, उसको मुझसे कोई उम्मीद नहीं है, और वो खड़ा हो गया, अपना अपना कमा रहा है, नाम कमा रहा है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, गॉड ब्लेस हिम. आई कैन जस्ट से मेरा छोटा भाई है, मेरा कजिन है, ही इज डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ. अपनी फैमिली देख रहा है, अपनी चीजें कर रहा है ना, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है, अपना काम करता है, और लोग उसे प्यार करते हैं, सराहते हैं, मुझे बोलते हैं आपका भाई कितना अच्छा एक्टर है, ही इज अ फंटेस्टिक एक्टर, हम उसके फैन है. और मुझे लोग कभी कभी ऐसा भी एड्रेस कर देते हैं कि कृष्णा के भाई हैं, ये भी हो जाता है कभी कभी. सो आई फील गुड, आई फील गुड. अगर उसके कुछ लोग हैं वो बोलते हैं अरे कृष्णा इज योर ब्रदर, वो वाओ वेरी गुड. अरे गोविंदा इज योर अंकल, ओ वेरी. आप रागिनी खन्ना के भाई है ना, ये भी होता है. कृष्णा को लोग बोल देते हैं अरे आप विनय आनंद के आप छोटे भाई हैं. तो ये तो होगा, कृष्णा को तो बाकी बहुत प्यार उनको मिलता होगा, बिहार विहार साइड जाता होगा तो वहां पे। वाइन इज अ फैंटास्टिक. देखिए क्या है, वो एंटरटेनमेंट कर रहा है, लोगों को प्यार बांटता है, और जब आप प्यार बांटते हो तो पीपल ऑल्सो गिव यू लव एंड रिस्पेक्ट. वाई राइट, नॉट, ही डिजर्व वॉट एवर ही या इज ही डिजर्व, टोटली डिजर्व, डूइंग गुड. या यस। सो विनय, वी आर वेटिंग फॉर मकान, जब भी आएगा सबसे पहले फर्स्ट डे फर्स्ट, तो मैं तो जाने वाला हूँ देखने, एंड मैं काफी लोगों को रिकमेंड भी करने वाला हूँ। तो अगर मकान जब भी आएगी दिल्ली, तो आज कल नेक्स्ट ईयर जरूर जाके देखो मकान को। जरूर देखना, और मेरे लिए देखना, क्योंकि मेरी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स है. जितनी फिल्में देखी है उन सब से आपको बेहतर लगेगी, और मेरे लिए यही बड़ी बात है बॉस कि मैं बेहतर लगता जा रहा हूँ. नहीं, टू यूर बाकी लुकिंग बेस्ट। यू कैन नॉट कम्पीट विथ एनी बडी, बिकॉज दुनिया इतनी बड़ी है बॉस. लोगों के पास जैसा जैसा है वो बेस्ट कर रहे हैं. बेस्ट कर रहे सी हैं। हमारे आइडल्स हैं, हमारे गुरुज हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, अक्षय कुमार, और उससे पहले भी बच्चन साहब, दिलीप साहब, राजेश खन्ना जी, शम्मी कपूर जी, राज कपूर जी, ये सब मतलब हमारे लिए, हम इन्हें देख देख के, और भी कितने नाम मैं बोलना चाहता हूँ जो मैं भूल रहा हूँ, साउथ के स्टार, सभी कितने सारे लोग हैं यार. मतलब हम फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं, वर्ल्ड इतना बड़ा है, देयर इज सो मच टू लर्न अबाउट. बस हम लोग अपना बेस्ट दें और तारीफ बटोरें, यही कर सकते. और नेगेटिव चीजों से दूर रहे। हाँ क्यों यार, क्या करना है.
कुछ नहीं होने वाला नेगेटिविटी से। अभी कोई लोग बोलेंगे अभी हम अपने दुख पे ही हाथ रखेंगे तो यार तकलीफ ही होगी। दुख तो है, तो है। दुख एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होती है सबको, किसी से एक्सपेक्टेशन है, मेरे से एक्सपेक्टेशन रखने वाले लोग हैं, कहीं कहीं मैं फुलफिल नहीं कर पाया मुझसे भी दुखी होंगे, तो मैं भी यार क्या करूंगा, मैं भी अपना जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ एज ए इंसान। अगर गॉड मुझे देगा तो मैं सामने वाले को दे पाऊंगा, मेरे को नहीं दे रहा तो मैं क्या करूँ, अब मैं रोता थोड़ी रहूंगा। यू गाइज डोंट नीड टू क्राई, जो ईश्वर दे दे ठीक है, अपनी अपनी जर्नी जियो और निकल लो ऊपर। बिल्कुल। सो विनय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, साइनिंग ऑफ यहाँ से, एंड जल्दी थैंक्स मिलते फॉर, हैं। इट वॉज नाइस कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग माई फीलिंग्स विथ यू। या थैंक यू सो मच विनय, थैंक यू सो मच, वी आर लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट मूवी। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।